मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ मौसम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मौसम में स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, और इसके बारे में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक टॉपिक और होगा जो हमारा व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो डिफरेंसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि सेल क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने की, तो सेल क्या चीज़ है, इसके सारे पॉइंट के बारे में हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज मेनली यहाँ पे देखेंगे कि प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो जैसे कि देखा जाए, जो प्लांट सेल होता है यह है आपका प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या है कि प्लांट सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल की, बट यहीं पर अगर देखा जाए एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के पास कोई भी आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं है। और जैसे कि वैक्यूल्स होते हैं, तो वैक्यूल जो है एनिमल सेल जो है उसमें बहुत छोटा छोटा होता है, बट प्लांट सेल में देखा जाए तो एक ही वैक्यूल होता है जो बहुत बड़ा होता है। अगर देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, बट वहीं क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं आगे। सो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल जो है एनिमल सेल में एब्सेंट है, बट वहीं पर अगर देख लिया जाए कि जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट है, और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। शेप के बेस पे देख लिया जाए तो इसमें क्या डिफरेंस है? शेप जो है एनिमल सेल का राउंड इरेगुलर शेप का होता है, राउंड होता है, इरेगुलर शेप होता है, बट अगर वहीं पे प्लांट सेल को देख लिया जाए तो ये रेक्टेंगुलर फिक्स शेप के होते हैं। वैक्यूल्स के बेस पे देख लिया जाए तो वैक्यूल क्या? वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स मच स्मॉलर देन प्लांट्स। एनिमल सेल में एक नहीं उसमें कई वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि प्लांट सेल से छोटे होते हैं। बट अगर वही प्लांट सेल में देखा जाए तो वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग अप 90% ऑफ सेल वैल्यूम। पूरे सेल का अगर देख लिया जाए तो 90% जो है सेल पार्ट जो है उसका वैक्यूल ही होता है, क्योंकि वो बड़ा सा होता है लेकिन एक ही होता है। सेंट्रियोल के बेस पे देखा लिया जाए तो सेंट्रियोल ये बहुत पूछता है एग्जाम में, सेंट्रियोल और ये वैक्यूल ये दोनों ही बहुत पूछता है, मोस्टली ये लगभग पूछ ही लेता सारे एग्जाम में। तो सेंट्रियोल के देख लिया जाए तो एनिमल सेल में जो है सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, बट वहीं पे देख लिया जाए प्लांट सेल में तो प्लांट सेल में जो है सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, केवल ये लोअर प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बेस पे देख लिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट जो है एनिमल सेल डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, बट प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दे मेक देअर ओन फूड। एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्योंकि एनिमल सेल जो होता है वो हेटरोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफिक तो होता नहीं कि उसे फोटोसिंथेसिस करनी है सनलाइट के प्रेजेंस में। बट प्लांट सेल में क्या है कि क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है लीव्स में, जो फोटोसिंथेसिस से अपने फूड को प्रिपेयर करता है, तो इसीलिए इसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में। प्लास्टिड देख लिया जाए तो प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, बट वहीं पे प्लांट सेल में देख लिया जाए तो प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड होता क्या है इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट एक क्लास होगी प्लास्टिड के ऊपर ही होगी, क्योंकि प्लास्टिड में कई प्लास्टिड आ जाते हैं। प्लास्टिड होता है जो जैसे प्लांट को और जो उसके जो फ्रूट्स होते हैं उसको कलर प्रदान करना, एक मतलब रंग प्रदान करना, जैसे कि देख लिया जाए तो टमाटर जो है रेड है, अगर मिर्चा देख लिया जाए तो हरा है, तो बैंगन देख लिया जाए तो वो अलग कलर का है। तो ये क्यों होता है? ये प्लास्टिड की वजह से ही होता है। तो ह्यूमन में तो है, ह्यूमन में इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, ह्यूमन बींग्स में, तो इसीलिए एनिमल सेल में देखा जाए तो एनिमल सेल में ये अब्सेंट होता है प्लास्टिड, बट वहीं पे प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, सेल वॉल अब्सेंट होता है, हमने पहले ही बताया है, बट वहीं प्लांट सेल में देखा जाए तो सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन
दोनों ही प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो प्लांट सेल होती है वो मतलब हार्ड होती है, तो प्लांट सेल को ज़्यादा रिजिडिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए वहाँ पे होता है सेल वाल, बट एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं होता है। लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं, तो लाइसोसोम्स अकर इन साइटोप्लाज्म। जो एनिमल सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म में जो है लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट यूजुअली अगर देख लिया जाए प्लांट सेल में तो लाइसोसोम जो है प्रेजेंट होता है। सीलिया, सीलिया की बात कर लेते हैं, सीलिया के बेसिस पे देख लेते हैं डिफरेंस। तो सीलिया जो है मेनली अगर देखा जाए तो सीलिया जो है लोकोमोशन में हेल्प करता है, सभी एनिमल या सेल ले लिया तो लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह सीलिया होता है। फ्लैजेला सीलिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह होता है। तो अगर एनिमल्स देख लिया जाए तो मूवमेंट किसके पास होता है, एनिमल सेल के पास होता है, और अगर वहीं पे देख लिया जाए प्लांट में तो प्लांट कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ये प्लांट में मेनली एब्सेंट ही होता है, बट इन रेयर केस में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो आज ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि डिफरेंसेस जो है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। आगे हम देख लेते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो ये है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है, क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और क्या होता है यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो प्रो मतलब जो प्रो से ले लिया जाता है तो मतलब फर्स्ट, और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट का मतलब, कैरियन का मतलब होता है कि जो न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे देख लिया जाए तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो जो प्रिमिटिव अगर ले लिया जाए, जो पहले जो एनिमल देखा जाए, तो जैसे कि वो हो गया बैक्टीरिया आ जाते हैं इसमें, और बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोवा हो गए, इन सारों को इसमें रखा गया प्रोकैरियोटिक में। तो इसमें क्या है कि जैसे कि इसमें सेल वाल प्रेजेंट है, बट इसमें जो जैसे इसमें न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया इसमें, जो भी न्यूक्लियस में जो सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो ऐसे ही मतलब ओपन फॉर्म में होता है, जो न्यूक्लियॉइड फॉर्म में देख, ये यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बैक्टीरिया सेल है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियॉइड फॉर्म में जो न्यूक्लियस की सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे न्यूक्लियॉइड फॉर्म में ऐसे चाहिए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। बट वहीं पर देख लिया जाए यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे कि हायर प्लांट्स आ जाते हैं और जो हायर एनिमल्स आ जाते हैं उनके जो कोशिका होती है, उनकी जो सेल होती है वो यूकैरियोट सेल होती है, क्योंकि इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मतलब प्रेजेंट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोट में जो है न्यूक्लिक एसिड को ले लिया जाए तो एज ए साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे अगर देख लिया जाए जो यूकैरियोटिक सेल में है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जाके न्यूक्लिक एसिड होता है। अब यहाँ पे मेन डिफरेंसेस जो है कई पॉइंट है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियॉइड, बट इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे देखा गया है कि जो जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो जेनेटिक मटेरियल है जैसे डीएनए आरएनए है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियॉइड फॉर्म में पाया गया है। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस पूरा प्रेजेंट इसमें नहीं है, अब्सेंट है। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, और इसमें जो है न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए न्यूक्लिक जो एसिड है जेनेटिक मटेरियल है वो पाया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट। जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से आएगा, बट वहीं पे जो यूकैरियोटिक सेल है उसके पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में ओनली ये सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, बट वहीं यूकैरियोटिक सेल में देख लिया जाए तो मोर देन वन क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट, इसमें यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम्स इज प्रेजेंट।
प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, जैसे कि देख लिया जाए कि जैसे उसमें प्रोकैरियोटिक सेल में जो है यह है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाए। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में क्या है कि जैसे कि उसमें क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और गॉल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, तो इन सारे की चीज़ों के ऊपर जो है मेम्ब्रेन होती है। बट इसके ऊपर जो है इसमें जब कोई ऑर्गेनल्स ज़्यादा डेवलप तो है नहीं, तो कोई ऑर्गेनल्स है नहीं, न्यूक्लियर फॉर्म में जो है न्यूक्लियस भी नहीं पाया गया है, तो इसमें जैसे कि वो नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट नहीं है, तो इसके ऊपर जो है सेल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है एब्सेंट होता है। बात कर लेते हैं न्यूक्लियोलस की, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। न्यूक्लियोलस जो है एक जो न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट जो होता है छोटा सा, उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है ये यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, बट ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, बट अगर यहीं पे देख लिया जाए यूकैरियोटिक सेल में तो उसमें न्यूक्लियोलस जो है प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय फ्यूजन और वर्डिंग। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सेल डिवाइड जो करता है, मतलब जो जो रिप्रोड्यूस करता है, तो इसमें किसके द्वारा, फ्यूजन के द्वारा होता है या तो उसमें बडिंग की प्रोसेस होती है। बट वहीं पे अगर देख लिया जाए यूकैरियोटिक सेल में तो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस और मियोसिस। तो जो यूकैरियोटिक सेल में वो उसमें माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू जो है सेल डिवीजन होता है। साइज ऑफ सेल इज स्मॉल, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो स्मॉल साइज के होते हैं, बट वहीं पे यूकैरियोटिक सेल को देख लिया जाए तो साइज ऑफ सेल इज जनरली लार्ज। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं तो इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, और अगर यूकैरियोटिक सेल में देख लिया जाए तो प्लांट सेल आ जाता है, एनिमल सेल आ जाता है और जो है फंजाई आ जाता है। तो आज यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लेते हैं, हम यहाँ पे यह है न्यूक्लियल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा पार्ट पाया गया जिसको कहा गया है न्यूक्लियोलस। तो इसमें तो एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनल्स जो है एब्सेंट है, न्यूक्लियॉइड फॉर्म में पाया गया है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो आई होप आप सभी को प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और क्या डिफरेंसेस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो आज हम लोगों ने ये दो टॉपिक यहाँ पे देखा, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जो डिस्कस करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, पढ़ाई करिए और ख्याल रखिए अपना और अपनों का। So bye bye friends and take care.